तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमने पहले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले वीडियो में आपको उसका बेसिक फॉर्म इक्वेशन और उस बेसिक इक्वेशन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो, उससे हमने एक्स का फॉर्मूला निकाल दिया था। तो दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा और आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए, हम इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक बच गया था उसके बारे में जान लेते हैं। उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। दोस्तों, ये डिस्क्रिमिनेंट बहुत ही जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसे हम डिनोट करते हैं किससे? डी से। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं पर भी डी नजर आए तो हम उसे क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का जो वैल्यू है वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। दोस्तों, एक्स क्या वैल्यू हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला से, एक्स इजल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का रूट ओवर बाई टू ए। वहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है उसे हम कहते हैं डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। और हाँ, या आप यहाँ पर इक्वेशन जो एक्स है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी बाई टू ए। तो केस दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट में तीन केस होते हैं, उसको हम एक एक करके जान लेते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है रूट्स के लिए, यानी कि जो इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशन के रूट निकलते हैं उसके लिए। तो चलिए जान लेते हैं केस वन। केस वन में ऐसा होता है कि डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी जीरो से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। तो वहाँ पर क्या होगा? सॉल्यूशन रियल आएगा और अनइक्वल आएगा, यानी कि सॉल्यूशन जो निकलेगा, जो रूट्स, उसे हम कहते हैं वो रियल होगा यानी कि वास्तव नंबर होगा, और अनइक्वल यानी कि जो नंबर निकलेंगे वो समान, उनमें समानता नहीं रहेगा, यानी कि एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, और दो रियल सॉल्यूशन आएंगे यानी कि दो दो नंबर आएंगे। अगर दोस्तों केस टू में चलते हैं, वहां पर क्या है कि डी अगर जीरो हो गया, डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो हो गया तो क्या होगा? रियल और इक्वल यानी कि वास्तव नंबर निकलेंगे और इक्वल यानी कि नंबर में समानता होगा, यानी कि दो इक्वल नंबर ही निकलेंगे। यहाँ पर एक सोल्यूशन है, वही लिखा गया है नीचे। दोस्तों, केस थ्री जो कि थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, केस थ्री में ऐसा है कि इमेजिनरी सॉल्यूशन आएगा। तो भाई आप पूछोगे, भाई इमेजिनरी क्या है? दोस्तों, उसके लिए मैंने आपको नीचे देख सकते हैं कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सेवन इजिकल टू जीरो। आप इस इक्वेशन में एक्स का या डिस्क्रिमिनेंट जिस एक का भी वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई कि भाई इमेजिनरी सॉल्यूशन क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो रूट्स है यानी कि सॉल्यूशन है वो निकालना थोड़ा हार्ड होगा, तो इससे आपके 10th क्लास में ऐसा इक्वेशन नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर आपका थ्योरी खत्म हो गया। तो दोस्तों, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको दिमाग आ जाए कि भाई ये होता है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ये हमें मजाक कर रहा है क्या? हमें पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन है एक्स प्लस वन का स्क्वायर इजिकल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसे प्रूव करिए। दोस्तों, आपको प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? आपके मन में क्या आ रहा है? हाँ भाई, आपके मन में सही आ रहा है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी कि हमारे जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक इक्वेशन यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो और ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, हमें इस इक्वेशन को उसी तरह लिखना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहला तो ये है कि एक्स प्लस वन का स्क्वायर इजिकल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री, यानी कि एक्स प्लस वन का स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला पुट हो रहा है, यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर इजिकल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री यानी कि टू एक्स माइनस सिक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन हो गया टू एक्स माइनस सिक्स। तो दोस्तों, यहाँ पर वो ऐसा है कि टू एक्स माइनस सिक्स एक साइड है, तो उसका साइड चेंज करेंगे तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि टू एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस सिक्स। तो चलिए, दोनों सब एक साइड में है तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इजिकल टू जीरो। तो हो गया क्या? टू एक्स माइनस टू एक्स कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इजिकल टू जीरो। कन्वर्ट दिस इक्वेशन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म, यानी कि हमें पता है भाई इस इक्वेशन को हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। यानी कि कैसे दोस्तों? आप बोलोगे भाई यहाँ पर तो बी नहीं है, यानी कि किसी का एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो हम क्या करें? दोस्तों, याद करो कि हमने आपको पहले भी कहा था कि जीरो इंटू समथिंग होता है जीरो। दोस्तों यही, हाँ, यहाँ पर हमें इसे ही पुट करना है, यानी कि वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस सेवन इजिकल टू जीरो। हो गया ना दोस्तों? यहाँ पर बी का वैल्यू भी आ गया।
और दोस्तों वन इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, 0 इंटू एक्स हो गया 0 प्लस 7 इजल 0, यानी कि हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। तो वहाँ पर क्या हो गया, ए वन हो गया, बी जीरो हो गया और सी सेवन हो गया, और ये जीरो नहीं हुआ कि ए वन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने हमने प्रूव कर लिया। तो ये हो गया प्रूव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज ए परफेक्ट स्क्वायर। दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर क्या है? यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग बहुत ही आसान है, आपको पता है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है। 5 का स्क्वायर होता है 25, वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, ये इक्वेशन एक स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि किसी का स्क्वायर ये इक्वेशन होना चाहिए। तो के का वैल्यू क्या पुट करने से ये इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर के लिए पहले तो ये है कि रूट्स जो हमारे सॉल्यूशन निकलते हैं वो दोनों समान होना चाहिए, उनमें समानता होना चाहिए। यानी कि हमने डिस्क्रिमिनेंट का सेकेंड जो केस है वहाँ पर पढ़ा था, अगर दो रूट्स इक्वल हुए तो डी इजिकल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 होना चाहिए। तो चलिए हम पहले ए बी सी का वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। ए हो गया 1, बी 4 और सी के, आप यहाँ पर बहुत ही आसान से दोस्तों निकाल सकते हैं। तो डी हो गया 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac भी हो गया 0, यानी कि बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के, तो हो गया 0। 16 माइनस 4 के हो गया 0, के हो गया 16/4 यानी कि 4। तो दोस्तों के का वैल्यू 4 होने से ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलिए हम इसे प्रूव कर लेते हैं। आप तो सोचोगे भाई तुमने के का वैल्यू निकाल लिया लेकिन प्रूव नहीं किया, तो चलिए हम प्रूव भी कर लेते हैं आपके लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के जगह हम पुट कर लेते हैं के का वैल्यू यानी कि 4 को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, यानी कि ये यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला पुट हो रहा है, प्लस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। दोस्तों चलिए हमने आपको लिए प्रूव भी कर लिया कि के का वैल्यू 4 ही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में ये है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, और जो रूट्स है इस इक्वेशन के वो है अल्फा और बीटा, और हमें पूछा गया है कि हमें किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू हम इससे निकालते हैं। तो दोस्तों तो आप बताओ कि भाई इक्वेशन दिया गया है, हम इसका रूट निकाल लेते हैं अल्फा बीटा को, और एक्स का वैल्यू पुट करके एक्स का फॉर्मूला पुट करके वहाँ पर हमें अल्फा मिल जाएगा और बीटा मिल जाएगा, और वहाँ पर हम अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। अब मैं बोलूँगा भाई ये तो बहुत ही लेंदी होगा, तो चलिए इसको हम ट्रिकी मेथड से करते हैं। तो चलिए पहले इस इक्वेशन में ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू है 2, बी का है माइनस 5 और सी का है 3, ये आप बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। दोस्तों जो अल्फा स्क्वायर बीटा है और अल्फा बीटा स्क्वायर है इसे थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, ये आपको पता है उस उन दोनों में क्या कॉमन है, आप देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा कॉमन है, तो कॉमन को निकाल लेते हैं और दोनों को एडिशन कर लेते हैं, अल्फा बीटा कॉमन आ गया और अल्फा बीटा प्लस बीटा ब्रैकेट में रह गया। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत ही इजी बन गया आपके लिए, यानी आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है और उन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन कर देना है, तो आपका क्या निकल आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो चलिए वही कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 5/2 अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाई ए, सी का वैल्यू 3 है और ए का वैल्यू 2 है, दोनों को पुट कर लीजिए 3/2, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर यानी कि अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 3/2 × 5/2 हो गया 15/4। आप इसे 3.75 भी लिख सकते हैं, ये लेकिन लिखना जरूरी नहीं, आप 15/4 भी रख सकते हैं, कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है दोस्तों, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें दो रूट है, वो है -5 और -3। हमें क्या करना है कि भाई इक्वेशन को ही ढूंढना है,
हम बहुत सारे ट्रिक में क्वेश्चन में ये करते हैं कि भाई इक्वेशन दिया गया है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ढूंढो या रूट्स ढूंढो। यहाँ पर ये पूछा है कि भाई रूट्स दिया गया है तुम्हें उससे इक्वेशन ढूंढना है, और हमें पता है कि भाई इक्वेशन को मान, चलिए आंसर निकालते हैं। मान लेते हैं जो रूट से अल्फा और बीटा, तो अल्फा हो गया -5 और बीटा हो गया -3। तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में अगर हमें रूट्स का वैल्यू पता है तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? उसका फॉर्मूला ये आ रहा आपके स्क्रीन में, x² - α + β (x+α β), यानी कि x² α β का वैल्यू पुट कर लीजिए, -5 + -3 (x + -5 - -3) हो गया क्या, x² - - कैंसिल हो गए, +8x + 15, तो हो गया आपका इक्वेशन फाइंड कर लिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप 10th क्लास में हैं और क्लास में हैं और आपको फॉर्मूला शीट की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक में ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।